मामला पूरा विधान परिषद का और विधान परिषद का सचिवालय इस पर निर्णय का, सरकार को और सरकार की एक्टिविटीज को इससे कोई मतलब नहीं, और विधान परिषद अपनी तरह से इस सब चीजों पर कार्रवाई करती है। जो कार्रवाई है विधान परिषद के अंदर का मामला है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हुई थी राम बलि जी की, किन कारणों से समाप्त हुई थी? एक ही एक्टिविटी पर आप दो चरित्र नहीं रख सकते हैं ना। राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद मंत्री अशोक चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह सभापति और विधान परिषद सचिवालय का निर्णय है, इस पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अशोक चौधरी ने कहा कि राम बलि सिंह चंद्रवंशी की सदस्यता भी उनके काम से ही गई थी और सुनील सिंह की सदस्यता भी इनके कर्म से ही गई है। इन लोगों को पूछना चाहिए कि अति पिछड़ा के साथ जो इन लोगों ने किया है, आज जब इन लोगों के साथ हुआ है तो कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि जो निर्णय हुआ है वह सभापति का निर्णय है और सदन का निर्णय है, इसमें सरकार का कोई निर्णय नहीं। बता दें कि बिहार विधानसभा के पांचवे और आखिरी दिन आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता चली गई, समाप्त हो गई। विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने यह फैसला सुनाया है और इस पूरे मसले पर जब अशोक चौधरी से बात की गई, मीडिया ने सवाल किया तो क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये बताइए, सुनील सिंह जी की सदस्यता चली गई, कैसे लेते हैं? देखिए, ये मामला पूरा विधान परिषद का और विधान परिषद का सचिवालय इस पर निर्णय का, सरकार को और सरकार की एक्टिविटीज को इससे कोई मतलब नहीं है। विधान परिषद की आचार समिति है, विधान परिषद का अपना सचिवालय है और विधान परिषद अपनी तरह से इस सब चीज़ों पर कार्रवाई करती है। आचार समिति में मेंबर हैं, आचार समिति के सदस्य हैं, आचार समिति जिनके ऊपर कार्रवाई होती है उनको बुलाती है, उनका पक्ष जानती है और उसके बाद निर्णय करती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो है वो विधान परिषद सचिवालय और विधान परिषद की जो कार्रवाई है विधान परिषद के अंदर का मामला है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। ये अच्छा, एक बात बताइए, इसके पहले एक विधान परिषद के सदस्य आरजेडी के सदस्य की सदस्यता गई थी राम बलि जी की, गई थी कि नहीं गई थी? राम बलि जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? राम बलि जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? जो लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई, उनको पूछना चाहिए कि एक अति पिछड़ा के बेटा का इस विधानसभा की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हुई थी राम बलि जी की, किन कारणों से समाप्त हुई थी? एक ही एक्टिविटी पर आप दो चरित्र नहीं रख सकते हैं ना। तो सुना आपने कि यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है उन्होंने कि सुनील सिंह की सदस्यता उनके कर्म के वजह से गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं है, ये तो सभापति का निर्णय है और इस पर किसी को भी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये जो भी हुआ है उनके कर्म का ही नतीजा है।